बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 8 हमारे साथ है, शो दैट पार्ट 1 है, शो दैट z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 रियल ऑफ z, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो हमारे साथ लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, ठीक है। तो z कंजुगेट हमारे साथ होगा a माइनस बी आयोटा, याद रखिए इधर आया है रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे साथ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a हमारे साथ रियल ऑब्जेक्ट है, a हमारे साथ रियल ऑब्जेक्ट है और b हमारे साथ इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब a रियल पार्ट है और b हमारे साथ इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखिए, ठीक है। अब मैं प्रूव करने की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो a प्लस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा, हमारे साथ बी आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो a हमारे साथ क्या है, रियल ऑफ z, तो z प्लस z कंजुगेट हमारे साथ है 2 रियल ऑफ z, ऐसे ही साबित हो गया, ठीक है। पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं, तो पार्ट 2 हमारे साथ है z मान की z कंजुगेट इज इक्वल टू 2i इमेजिनरी ऑफ z, i क्या आयोटा है, ठीक है, 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z, ठीक है। तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो z डैश इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूं, z माइनस z डैश इज इक्वल टू z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा और z कंजुगेट की वैल्यू है a माइनस बी आयोटा, z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, माइनस a प्लस a खत्म हो जाएगा, तो z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा b, ठीक है। तो z माइनस z कंजुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, b हमारे साथ क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, बस साबित हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है z z कंजुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ z होल स्क्वायर, रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z होल स्क्वायर, ठीक है। अब लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा और z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ क्या है, z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस b आयोटा, तो z कंजुगेट इज इक्वल टू फार्मूले के मुताबिक ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इंटू आयोटा स्क्वेयर की कीमत माइनस 1 है, तो जेड कंजुगेट हमारे साथ है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो जेड कंजुगेट इज इक्वल टू ए हमारे साथ रियल ऑफ जेड है, तो ए स्क्वेयर हमारे साथ हो गया रियल ऑफ जेड होल स्क्वेयर और प्लस बी हमारे साथ इमेजिनरी ऑफ जेड है, तो बी स्क्वेयर हमारे साथ इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वेयर हो गया, तो हमारे साथ साबित हो गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं, पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है z इज इक्वल टू z कंजुगेट सो दिस इंप्लाइज दैट z इज अ रियल, मतलब ये है अगर z और z कंजुगेट बराबर हो तो हमारे साथ z रियल नंबर होगा, ठीक है। लेटर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लेते हैं एज ये हमें गिवन है कि z इज इक्वल टू z कंजुगेट, तो z की कीमत a प्लस बी आयोटा है और z कंजुगेट की कीमत a माइनस बी आयोटा है, ठीक है। तो a प्लस बी आयोटा इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ, तो माइनस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 0, a खत्म हो जाएगा, तो बी आयोटा प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 0, 2 बी आयोटा
iota is equal to 0, ठीक है, both side divided by 2 iota, तो b is equal to 0, ठीक है, जब imaginary part 0 हो, इसका मतलब यह है, as b is 0, so z is real, ठीक है, अब question number 8 की आखिरी part की तरफ जाते हैं, आखिरी पार्ट हमारे साथ पार्ट 5 है, पार्ट 5 है z conjugate is equal to minus z, z conjugate is equal to minus z if and only if z is a pair imaginary, ठीक है, if and only का मतलब यह है कि अगर z conjugate minus z के बराबर हो तो z pair imaginary होगा, और दूसरा अगर z pair imaginary हो तो z conjugate minus z के बराबर हो, ठीक है, तो a साइड में लेता हूं, let z is equal to a plus b iota, z conjugate is equal to a minus b iota, ठीक है, अब ये साइड में लेता हूं, z conjugate is equal to minus z, ठीक है, तो z conjugate हमारे साथ है a minus b iota is equal to minus a plus b iota, ठीक है, तो a minus b iota, और इसको मैं इस साइड पे लेता हूं, तो minus plus हो जाएगा, is equal to 0, ठीक है, minus b iota plus b iota cancel, तो 2a is equal to 0, या a is equal to 0, both side divided by 2, तो, so, z is a, real part 0 है, तो z is a, favorably imaginary, ठीक है, conversely, इसका उलट में लेता हूं, अगर z favor imaginary हो, if z is a, favor imaginary, जब z pure imaginary हो तो z हमारे साथ बराबर होगा, z हमारे साथ बराबर होगा 0 plus b iota, और z conjugate हमारे साथ बराबर होगा 0 minus b iota, so z is equal to minus z conjugate, ठीक है, minus z conjugate इसलिए कि अगर z हमारे साथ b iota है, z हमारे साथ b iota है, ठीक है, और ठीक है, minus z, ठीक है, minus z, अगर मैं minus z दे रहा हूँ, z हमारे साथ 0 plus b iota है, तो अगर minus z में रहे तो minus b iota होगा, ठीक है, और z conjugate b हमारे साथ minus b iota के बराबर है, ठीक है, इसका मतलब यह है कि z is equal to minus z conjugate, ठीक है, तो इसका मतलब यह है अगर z conjugate minus z के बराबर हो, तो z हमारे साथ purely imaginary होगा, और अगर z purely imaginary तो z conjugate minus z के बराबर होगा, तो ये दोनों साबित हो गए, ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है, if z is equal to 3 plus 2 iota, if z is equal to 3 plus 2 iota, then we reply that z can be given, then we reply that part 1, if z is equal to 3 plus 2 iota, we reply that real part will be greater than or equal to minus z modulus or less than or equal to z modulus, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारे साथ पार्ट 2, imaginary part of z, ये real part of z है, ठीक है, imaginary part of z will be greater than or equal to minus z modulus or less than or equal to z modulus, ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ as z is equal to 3 plus 2 iota, हम रियल पार्ट ऑफ z मालूम करेंगे, minus z modulus और plus z modulus मालूम करेंगे, ठीक है, तो as z is equal to 3 plus 2 iota, so real part of z is
equal to 3. Real part of z हमारे साथ 3 है. अब z modulus मालूम करते हैं, फिर इसका minus मालूम करते हैं, ठीक है? z modulus is equal to also z modulus is equal to 3 square plus 2 square under the root. z modulus is equal to 3 3s are 9 plus 4 under the root, which is equal to 13 under the root. और minus z modulus हमारे साथ होगा minus 13 under the root, ठीक है? So prove करना है कि re of z greater than or equal to minus z modulus, ठीक है? Or less than or equal to z modulus, ठीक है? तो re of z हमारे साथ है 3, तो 3 greater than or equal to 3 greater than or equal to minus under root 13, ठीक है? Or less than or equal to under root 13, ठीक है? तो clear है कि 3 हमारे साथ minus की value से बड़ी है, ये positive है, ये minus है, और 3 under root 13 हमारे साथ under root 9 से greater है, under root 3 under root 9 के बराबर है, तो इस value से छोटी है, ठीक है? तो बस साबित हो गया. Part 2 हमारे साथ है ये वाला, ठीक है? तो minus under root z भी मालूम है, under root z भी मालूम है, और imaginary part of z is imaginary part of z हमारे साथ है 2, ठीक है? 2, ठीक है? So मैं लिखता हूँ imaginary part of z greater than or equal to imaginary part of z greater than or equal to minus modulus of z or less than or equal to modulus of z. तो imaginary part of z हमारे साथ 2 है, 2 is greater than or equal to minus modulus of z, तो minus और modulus of z हमारे साथ 13 है, तो minus under root 13 और less than or equal to under root 13, ठीक है? तो 2 हमारे साथ minus under root 13 से greater है और under root 13 से ये small है, तो ये भी verify हो गया, ठीक है? तो इसी के साथ exercise 1.2 खत्म हो गया.